एवरीवन एंड वेलकम बैक। पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये जॉब वास्तव में उन कैंडिडेट्स के लिए है जो स्पोर्ट्स से, फिजिकल फिटनेस से प्लस बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। किसी भी स्कूल में पीईटी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में, फिर वो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है या फिर इमोशनल डेवलपमेंट है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ रिलेटेड टू पीईटी। अभी दो चार दिन पहले कॉमेंट आया था, एक वीडियो बनाया था पीईटी वोकैबुलरी के लिए, तो उसपे कॉमेंट आया था कि कुछ और फ्यू आइडियाज दीजिए पीईटी के लिए। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं शेयर कर रही हूँ एंड आई होप कि वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंड इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक को मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, डिसिप्लिन में करना होता है, फिजिकली उसका वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, मीन्स आप फिजिकली फिट हो, क्योंकि आपका फिजिकली रोल बहुत ही ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। सेकेंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग है प्लानिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स जो आपको मिले होते हैं स्कूल में, बहुत बार अरेंजमेंट्स भी होते हैं। तो आपके पास प्लानिंग ऐसी हो, आप पहले से ही इस तरह से प्री प्लान हो कि आपको सडनली कभी भी किसी भी क्लास में आपका अरेंजमेंट हो या आपको किसी क्लास में भेज दिया जाए, या पहले से ही प्लान हो कि बच्चों को क्या आप क्रिएटिव इनोवेटिव करा सकते हो। फॉर एग्जांपल वार्म अप एक्टिविटीज है, कुछ मॉरल स्टोरीज है, कुछ इस तरह की आप बच्चों को बता सकते हो, कुछ ऐसे छोटे छोटे गेम्स है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने क्लासरूम एक्टिविटीज में। बहुत बार ऐसे होता है कि फील्ड में आप नहीं बच्चों को लेकर जा सकते, तो आप क्लास में ही एज सच कुछ भी एक्टिविटीज, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो जब मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होती है, बच्चे स्कूल में आते हैं और जब तक बच्चों का डिपार्चर होता है यानी कि बच्चे बसेस में बैठते हैं, तब तक आपका बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। किसी भी स्कूल को यदि हम जज करना चाहें, तो मैंने एक वीडियो में मॉर्निंग असेंबली की से रिलेटेड मैं बना रही थी, मैंने उसमें भी बात की थी, यदि आप किसी स्कूल की पहचान चाहते हैं, आप किसी स्कूल के को जज करना चाहते हैं, तो आप वहां की मॉर्निंग असेंबली देख लीजिए, काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। मॉर्निंग असेंबली बेस्ट होने में पीईटी का बहुत बड़ा रोल होता है और वो डिसिप्लिन से दिखाई देता है। तो आप मॉर्निंग असेंबली से लेकर डिपार्चर तक, बच्चों के बस में बैठने तक मेंटेन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर क्लास चल रही है और आपका कहीं अरेंजमेंट लगा है, आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को लेकर जाएं कि बराबर वाली क्लासेस में आहट भी ना हो, बच्चे प्रॉपरली शांति से वेल डिसिप्लिन होकर एक क्लास से निकलकर फील्ड में जा रही हो, या डिपार्चर है तो ऐसा अरेंजमेंट हो कि बच्चे क्लासेस से निकलकर बस तक जा रहे हैं जो मतलब देखते ही मन को एकदम बहुत ही अच्छा सा लगे। तो आप इस तरह से डिसिप्लिन पहले से ही मेंटेन करके चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों को, सपोज आप कोई भी चीज ऐसी करा रहे हो, तो हमेशा बच्चों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें। बहुत से बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे निकल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं बेटर, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते, जो अच्छे हैं उनको आगे लेके जाइए, जो नहीं कर सकते हैं उनको स्टार्ट कीजिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उनको इनकरेज करेंगे। देखिए आज हमारे जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, वो स्कूल से ही निकल कर बने हैं, ऐसा नहीं है कि वो रेंडमली बन गए हैं। बचपन से ही यानी कि स्कूल टाइम से ही उन्होंने अपने आप को निखारना शुरू किया, उभारना शुरू किया है, और इसमें पीईटी का भी, फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपकी बदौलत कोई बच्चा स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक जा सकता है। तो आप इस तरह से जो बच्चे अच्छे हैं स्पोर्ट्स में उनको आप इनकरेज करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी पहचान तभी बनेगी जब आप अपना बेस्ट स्कूल को देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जब भी आप बच्चों को कोई स्पोर्ट, कोई गेम्स या सच कुछ भी करा रहे, तो आप उनके बेनिफिट्स भी बताओ, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को टिप्स देते जाएं, मतलब बच्चे अगर फील्ड में खेल रहे हैं और उसमें एंगेज है, तो इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आप बच्चों को साथ में कुछ प्रैक्टिकली चीजें, कुछ इस तरह के क्या बेनिफिट्स हैं इस खेल को खेलने से, या कुछ योगा चल रहा है, आप योगा करा रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं,
तो ये भी आप बच्चों को साथ साथ इन्फॉर्मेशन देते चले, इस तरह की नॉलेज बच्चों को देते चले। बच्चे जरूर आपसे इंस्पायर होंगे, जरूर आपसे कुछ सीखेंगे और बहुत आगे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूजफुल होगा। पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। कीप वॉचिंग, बाय बाय।